पेपर चल रहा है एमपीटेट का ना, हाँ एमपी ट्रेड का, वो पेपर जो है कल का पेपर फोन में खींच करके पूरा वायरल हुआ है, लीक हुआ है। तो वो अब वो ओरिजिनल है कि नहीं ये सवाल है ना। अरे मैं ओरिजिनल ओरिजिनल में पूरा कर लिया था, हकीकत कर लिया मैं, ओरिजिनल है। मतलब कल एग्जाम है? एग्जाम कल हो चुका, कल का ही तो पेपर है। हाँ तो पीपी ऑनलाइन पेपर होता है ना, अंदर तो मोबाइल जा नहीं सकता ना, जब अंदर मोबाइल जा नहीं सकता तो पेपर फोटो मोबाइल में कैसे आ गया? हाँ प्रश्न पत्र जी भेज रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही एमपी पुलिस भर्ती में 77-79 नंबर्स गर्ल्स चुला रही हैं, उनका नहीं हो रहा है और उसकी जगह पता नहीं कहाँ हो रहा है बच्चों को, जबकि पिछली बार कट ऑफ गई थी 46 नंबर जनरल कैटेगरी, और इस बार 90 मतलब इस बार 77 गर्ल्स का नहीं हो रहा है, जबकि बॉयज में देखा जाए तो 65 नंबर वाले को ले लिया जा रहा है, कई जगह पर तो 40 नंबर वाले को ले लिया जा रहा है। सोचिए तो आरक्षण है ना, सीएम ने तो आरक्षण घोषणा करी तो उससे ज्यादा तो ले ही नहीं पा रहे होंगे ना बॉयज को। अरे गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, बॉयज तो चलिए बॉयज को नहीं ले पा रहे होंगे तो गर्ल्स अपने आप एंट्री हो जाएगी। नहीं तो गर्ल्स तो दे ही नहीं रहे, एंट्री नहीं दे रहे हैं, पूरा मैटर समझाता हूँ आपको मैं अभी। खैर पूरा बवाल भी है, 28 मार्च को सारी लड़कियां व्यापम पहुंच रही हैं अपनी अपनी कॉपी निकलवाने। पुलिस भर्ती वाली जो उनका रिजल्ट अभी पुलिस भर्ती के जारी किया गया है, उस रिजल्ट में बहुत सारा हेर फेर है अभी। अच्छा। और ये तो खैर आपको तो ये तो पहले टेट का, तो टेट का मामला तो पूरा देखिए, टेट का तो पूरा मामला ही देखिए, आपको मजा आ जाएगा, आपको पूरा टेट का मामला आपको मैं व्हाट्सएप कर देख लेता हूँ। परसों आया रिजल्ट, परसों आया, कितने बच्चों का आया? मतलब 30,000 बच्चों का रिजल्ट, पूरा पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया है जिसमें पास वो बता रहे हैं कि हमने 30,000 बच्चों को क्वालिफाई किया है, पास नहीं है, पहला फर्स्ट फेज रिजल्ट है। नॉर्मल ये है बात सुनिए, लिखित हो गया, लिखित हुआ आया है रिजल्ट अभी है, एक ही शिफ्ट में बच्चा बैठा है, एक नंबर 55 है और एक नंबर 71 है, तो आप 71 वाले को मुझे 55 कैसे दे दिए एक ही शिफ्ट में? अगर मान लो कहता हूं कि चलो मान लीजिए नंबर बढ़ते घटते हैं तो सबके बढ़ेंगे ना एक ही शिफ्ट में, भाई पेपर तो सबके बराबर है। तो पेपर एक जो छोटा छोटा एक लेमैन के लैंग्वेज में है कि अगर नंबर बढ़ेंगे तो एक सीट में सबके नंबर बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं मेरे बगल वाले का भी क्वेश्चन है, मेरा वाला क्वेश्चन तो मेरा बढ़ा दिया जाए, सामने वाला घटा दिया जाए। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही है चीज आपकी थोड़ी सी। हाँ, ये मैं आपको आराम से समझाऊंगा, पहले आपको ये टेट वाला देख लीजिए, और टेट वाला मैं लगभग 2,000 लोगों से कंफर्म कर चुका हूं, पेपर यही आया है और पेपर यही वाला पेपर मोबाइल में आकर के बाहर लीक हुआ है। जी ओके थैंक यू। ये थे न्यूज 24 से भाई, मतलब सोचिए बच्चों को जूते पहन के बाहर, मतलब इतना ड्रामा दिखाएंगे क्या बताएं आपको यार, पेज तक लेने जा देते, पेन तक नहीं जा, बाप रे, मतलब दिखाना तो ऐसे है कि मतलब रे बाप रे बवाल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है क्या ये आया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आया है ना, चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन। इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट IISU कहां स्थित है? बेंगलुरु, कोची, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, क्या यह क्वेश्चन आया है जल्दी बता जाए। यही था गुरुजी 100% ओके यस सर आया है, हाँ सर आया था बिल्कुल, जो पेपर दिए बिल्कुल बताएं। चलिए अगला, छात्रों में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक ज्ञान कराया जा सकता है संसद भवन दिखाकर, संगीत की शिक्षा द्वारा, क्षेत्रीय मिस पर्यटन द्वारा, ऐतिहासिक इमारतों द्वारा, छात्रों में पर्यावरण अध्ययन यह क्वेश्चन आया है यस या नो जल्दी बताएं। यस सर आया है, यस सर जल्दी बताएं।
पापा आज एस्टेन कल एस्टेन टी चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया, क्या यह प्रश्न आया है? बस देख को बताते रहो। हाँ जी सर, ताकि ये भाई न्यूज़पेपर वाले मुझसे कंफर्म मांग रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि हम इनको बोलूं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्थानिक प्रजातियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये अपने आवास के विनाश से प्रभावित नहीं है, स्थानिक प्रजातियां कभी लुप्त नहीं हो सकती, ये विशेष रूप से विशिष्ट आवास में पाए जाते हैं, केवल चिड़ियाघरों वनस्पति उद्यानों में पाए जाते हैं। जल्दी बताइए, प्रश्न आया नहीं आया? जल्दी बताइए थोड़ा सा। हाँ जी आइए, गुड मॉर्निंग। 28 तारीख को पता चलेगा, अभी मैं लाइव में यूट्यूब पे है ना। चलिए अगला। प्रत्यक्ष अपवाह की अनुपस्थित में एक धारा के सतत प्रवाह को कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रवाह सीधा प्रवाह। जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, फटाफट बता दीजिए, मैं एक बार सारे कुछ आया था सर। बिल्कुल सर, यही पेपर मैंने दिया था। ठीक है अगला। प्राथमिक उच्च कक्षाओं के बच्चों के लिए सभी स्तरों पर ईबीएस अधिगम की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, यह प्रश्न आया है? सर ये प्रश्न सभी आए हुए हैं, ठीक है गुड। नहीं भाई, एक बार क्या होता है कि पूछना जरूरी होता है, क्योंकि मैंने जो पंगा लिया है ना, ये बहुत बड़े लोगों से पंगा है, बहुत बड़े लोगों से पंगा है, बहुत बड़े लोगों से पंगा है, छोटे मोटे लोगों से नहीं। और आपको पता है कि व्यापम एक खूनी खेल है, इसमें किसी दिन आपको खबर मिले कि चौहान सर का अचानक स्वर्गवास हो गया, चौहान सर अचानक नहीं रहे, तो बड़ी बात मत समझना,
ये समझ लेना कि मैं खेल किनके साथ खेल रहा हूं, सवाल किनसे मैं उठा रहा हूं, बड़ी बात नहीं है। और मेरी